रायसेन जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भी जिले में स्थित चिड़िया टोल वन परिसर में स्वयं सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इसी दौरान जिला पंचायत CEO अंजू पवन भदौरिया ने CMO सुरेशा जाधव की उपस्थिति में महिलाओं ने विशाल तिरंगे के साथ मानव श्रृंखला बनाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने अपने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। जिसमें हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये साइकिल रैली पुलिस लाइन से निकली और इसमें सभी विभागों के कर्मचारी, हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं सभी इसमें सम्मिलित हुए और ये रैली विवेकानंद कॉलेज पर समाप्त हुई। और इसमें जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, इसी में विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी की तात्पर्य है आज इसका आयोजन किया गया। जो हर घर तिरंगा अभियान है, जिसके संबंध में शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो 9 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो चुका है, उसके संबंध में ही ये एक चरण है उसका, जिसमें आज तिरंगा रैली निकाली गई है, जिसमें स्कूलों के छात्र छात्राएं, हमारे नगर के गणमान्य नागरिक, नगरवासी, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और अन्य सभी कर्मचारी इसमें शामिल हुए हैं। और इस तिरंगा रैली के माध्यम से जो एक देशभक्ति का एक संदेश है या तिरंगा के प्रति हमारे सम्मान का भाव है, वो रायसेन के जनसामान्य तक पहुँचाने का कार्य आज छोटे छोटे बच्चों ने तिरंगा रैली के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 9 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक पूरे जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में राष्ट्रभावना को प्रेरित करने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी उपलक्ष्य में आज जो स्व सहायता समूह और रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों को जो राशि जोधपुर से अंतरित करेंगे, उसके संदर्भ में जिला रायसेन में स्व सहायता समूह में दीदियाँ, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही महिला और स्व सहायता समूह की महिलाएं और सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा आज ये तिरंगा फहराने का कार्यक्रम और राशि अंतरण का कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित।